अभी सुबह का टाइम है इसलिए इधर कोई भीड़ भाड़ नहीं है। दसदन अभी 46 किलोमीटर जावे शर्माओ नहीं तुम भाई से कुछ ज्यादा नहीं हो गया। गोंडल 2 किलोमीटर दूर है, वीरपुर पहुंचने आगे है। अभी आगे पुल है ना, वो पुल के साइड में से एक वीरपुर के लिए रास्ता निकलता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बोटाद। अभी 6 बज चुके हैं, उठना तो 5 बजे था मगर उठ नहीं पाए। अभी जल्दी से तैयार होकर निकलने की तैयारी करते हैं। कहाँ जा रहे हो तो अभी तक आपको नहीं बताया, थोड़ी देर सोचे उसके बाद बता दें। अभी जल्दी से ना कर तैयार होते हैं आप। ना धोकर बाहर जाकर देखा तो मम्मी थेपले बना रही थी, तो थेपले का नाश्ता किया हमने। ओके, अभी निकल रहे हैं, निकलने की तैयारी कर रहे हैं। अभी मिलते हैं सीधा बाइक। अभी बाइक को कॉल स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए। जय माता दी। नानू लाल हारू मम्मी चलो जय माता दी। जय माता दी, जय गणपति बप्पा मौर्या, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिदाय नागाननाय सती अग्न विभुताय गौरीस्ताय गणनाथ नमो नमस्ते। अभी सीधा यहाँ से हमारा रूट है जसदंड के लिए। जसदंड जाके हम अपने साधु भाई से मिलेंगे और वहाँ से हम दोनों साथ में ट्रिप आगे की ज्वाइन करेंगे। अभी हम बोटाद से निकल गए हैं, अभी सिटी क्रॉस करके जल्दी से पहुँचने की ट्राई करते हैं। अभी बीच में एक ब्रेक आएगा पेट्रोल का और पेट्रोल ब्रेक लेके सीधा जसदंड। अभी सुबह का टाइम है इसलिए इधर कोई भीड़ भाड़ नहीं है, वरना ट्रैफिक बहुत मिलता है इधर से। पहला ट्रिप कर रहे हैं इतना लंबा, आज तक इतना लंबा कभी ट्रिप नहीं किया। ये हमारे बोटाद की कॉलेज है, कवि श्री बोटाद कर आर्ट्स एंड कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, आर्ट्स एंड कॉमर्स। अभी तक साडू भाई को कॉल नहीं किया, अभी देखते हैं थोड़ा आगे जाके बाहर निकल के, सिटी से बाहर निकल के कॉल करते हैं और पूछते हैं कहाँ तक पहुँचे आप, क्योंकि वो वहाँ से सुरेंद्र नगर से सीधे चोटीला आएंगे और वहाँ से सीधा जसदन, और हम इधर से सीधा पालिया धो के जसदन जाएंगे। बीच में हिंगोलगढ़ आता है, वो भी दिखाएंगे आपको। अभी हिंगोलगढ़ इधर से 25-26 किलोमीटर तक रहता है। ढेर सारी गाय माता का दर्शन हो गया अभी सुबह सुबह। चलो कोई बात नहीं, जय गाय माता। एक मिनट, अभी तो सुबह सब घूच गया है। सुबह में जल्दी निकलने का प्लान था मगर मेरी नींद ही नहीं खुली, तो क्या करें, अभी लेट हो गए थोड़े। कोई बात नहीं, आगे जाके थोड़ी गाड़ी खींच देंगे तो टाइम से पहुँच जाएंगे। रॉयल इनफील्ड का शोरूम है, एक दिन हमारी ड्रीम बाइक यहीं से छुड़वाएंगे। देखते हैं कितनी देर होती है, अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो जल्दी हम अपनी ड्रीम बाइक ले लेंगे और उससे कई लंबी राइड करेंगे। अभी तो पहली राइड पे ध्यान देते हैं कितना सक्सेस मिलता है इसमें। और आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मेरे को याद दिलाना पड़ता है कि सब्सक्राइब करो। देखते हैं, अभी 468 तो अभी हो गए हैं और 6-7 किलोमीटर अभी घर से निकले हुआ हो गया, तो घर आके देखते हैं पूरी ट्रिप कितने किलोमीटर की होती है, कितना पेट्रोल जाता है और
टोटल खर्चा कितना होता है, ताकि आपको भी पता चले कभी आपको बाइक लेके जाना हो तो। चार ये सब लोग पालिया जा रहे हैं पगपाड़ा यात्रा करने, तो कई सारे लोग जा रहे हैं, तो ज़्यादातर सब लोग रात को चल के जाते हैं, दिन में थोड़ा कम ही जाते क्योंकि धूप ज़्यादा लगती है ना, इसलिए रात को ठंडे वातावरण में मज़ा आता है चलने के लिए, इसलिए सब लोग आराम से चल के जाते हैं। अभी पालिया पहुंच चुके हैं बोटा से 15 से 16 किलोमीटर, और हमारे घर से 22 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। सीधा गोंडल जाना है वो कितना है 97 किलोमीटर, और यहां से सीधा पालिया जगह में पूरा जोश है ना वो गिरनार चढ़ने जाने का है, वहां से हमें जूनागढ़ जाना है और गिरनार पूरा का पूरा चढ़ना है। उतरने की बात तो बाद में करेंगे क्योंकि रोप वे से उतरते या सीढ़ियों से वो अभी तय नहीं किया है। अभी हमें जूनागढ़ पहुंचने में तो 1.5 दिन लग जाएंगे क्योंकि बीच में दोस्तों के घर भी जाना है, क्योंकि यहाँ से सीधा कागड़ जाने का ही प्लान है, उसके बाद देखते क्या होगा। ओह कागड़ पहले आते या वीरपुर हो तो मैं भूल चुका हूँ, वहाँ थोड़े नज़दीक पहुँचने के बाद पता चलेगा। मुझे 99% तो याद है, पहले वीरपुर आता है बाद में कागड़ आता है, फिर भी देखते हैं क्या होता है। खाली अब सब लोग उठ चुके हैं, थोड़ी थोड़ी भीड़ दिख रही है, सुबह में जल्दी निकलने का वही फ़ायदा होता है क्योंकि ट्रैफिक कम मिलता है। अभी पालिया क्रॉस करके निकल चुके हैं और यहाँ से सीधा आएगा विछिया, यहाँ से जसदन अभी 46 किलोमीटर और गोंडल 93 और विछिया 20 किलोमीटर बीचा है। विछिया जाके साधु भाई को फ़ोन करते और इस तरह का हमारा पूरा सेटअप है। अभी जसदन 23 किलोमीटर दूर रह गए हैं, विछिया क्रॉस कर चुके हैं, अभी देखते हैं बीच में हिंगोलगढ़ आएगा वो भी आपको दिखाएंगे, हिंगोलगढ़ फॉरेस्ट एरिया आएगा। ये अमरापुर गाँव में पहुंच गए हैं, अभी यहाँ से आगे थोड़ा आगे जाते ही सतरंग वाला बोर्ड दिखेगा, मैं अभी दिखा दूँ आपको, वहाँ से आप सतरंग जा सकते हैं, वो सामने रहा बोर्ड, यहाँ से आप सतरंग जा सकते हैं। गोविंद बापू पवित्र यात्रा धाम सीधा जाते ही मिलेगा आपको हिंगोलगढ़, वो सामने दिख रहा है। ये मेरा पता नहीं जज कर पाता या नहीं, मगर ऐसी चढ़ाई है करती, वो प्लेन कैसे टेक ऑफ करता है ऐसी बात है। यहाँ आगे से राइट लेके आप बिलेश्वर महादेव भी जा सकते हैं, इधर से जाता है वो रास्ता। ओ मैं गुजराती हूँ तो थोड़ा थोड़ा मेरी भाषा में आपको गुजराती एक्शन देखने को मिलेगा। अभी देखना है पूरी एसी चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई, यहाँ बस और ट्रक तो धीरे 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 पहले गियर में ही चढ़ाते हैं सब लोग, हमारी टू व्हील भी देखे ना, कैमरा तो जज नहीं कर पाएगा वो कितनी ढलान है, अभी रियल एक्सपीरियंस लेंगे तो पता चलेगा। बाइक को भी पूरा लोड पड़ रहा है, बारिश के मौसम में आप इधर ट्रैकिंग करने भी आ सकते हैं, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, बारिश के मौसम में क्या सब हरियाली हरियाली होती है ना, तो इधर सब लोग ट्रैकिंग करने आते हैं और कई अलग अलग एक्टिविटी भी कराते हैं इधर। इधर हमारा गुजराती में बोलें तो एक अभ्यारण्य है, चकली का अभ्यारण्य, कई अलग अलग जाति की चकली इधर देखने को मिलती है, बर्ड्स, छोटी वाली चकली आती है ना बर्ड्स। तो इधर से आप कड़ूका जा सकते हैं, कड़ूका मंदिर इधर से 3 किलोमीटर है, वहाँ आपको मंदिर में भी कई सारे अलग अलग सांप देखने को मिलेंगे, छोटे बड़े, वो सब सांप ना है ना वहाँ मंदिर में ही रहते हैं। और अभी धीरे धीरे ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, GJ5 सूरत वाला, वो भाई सूरत वाला थी थोड़ूक आगू हालवानू, केम के अत्यारे फूल मौज में भाई। अभी क्या हेलमेट पे कैमरा लगाया ना, कैमरा बोले तो मोबाइल, तो सब लोग देख के चलते हैं कि ये क्या हुआ है, क्योंकि इधर वो ब्लॉगिंग वाला सिस्टम ही पूरा थोड़ा कम है, तो सब लोगों को कुछ नया नया लगता है, तो सब लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। जा सकते हैं इधर से 14 किलोमीटर है केला सोमनाथ,
वो इधर से गेला सोमनाथ, वहाँ से गरडा और सीधा बोटाद भी जा सकते हैं, वो दूसरा वाला रूट है। मगर क्या वो सिंगल पट्टी रोड है, सिंगल लेन रोड। दन पहुँच के वहाँ हमारे साधु भाई आ रहे हैं ना, तो हमारे नहीं मेरे, तो मेरे साधु भाई आ रहे हैं, तो उनको कॉल करके पूछेंगे भाई कितना दूर हो, जल्दी से पहुँच जाओ और फिर आप हम दोनों साथ में आगे की राइड चालू करते हैं। और पहले तो उनको पूछूंगा कि वो कैमरे के सामने कंफर्टेबल है या नहीं है, जो अगर वो हाँ बोलेंगे तो उनको कैमरे में लूँगा, व्लॉग में लूँगा, वरना नहीं, वरना तो क्या मैं अपने आप को व्लॉग में दिखा जा रहा हूँ। मेरी वाइफ तो साथ में ही, हम दोनों व्लॉग बनाएंगे, उनको पूछ के बताएंगे। पहले तो पूछेंगे, परमिशन लेंगे भाई, जिसको भी हम व्लॉग में लेंगे पहले परमिशन लेंगे कि भाई आपको व्लॉग में आना है। अगर वो बोले हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनको दिखाएंगे, बाकी किसी को फोर्सफुली व्लॉग में नहीं डाल। चाटू भाई से बात हो गई है, वो भी जसदन पहुंचने वाले है, जसदन से वो भी 3 किलोमीटर दूर है, और उनका रोड है ना वो सिटी में से निकलता है, तो हमें भी सिटी में जाना पड़ेगा, और आगे सीधा वो रोड आता है ना वहाँ जाके खड़े रहेंगे और फिर मिलते हैं और दोनों साथ में चलते हैं आगे। अभी ये पहला मोटो व्लॉग है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अभी तो धीरे धीरे इसमें से ही सीखना है ना, तो थोड़ी बहुत गलती भी होगी, तो छोटी मोटी गलती हो तो वो अवॉइड कर लेना, और थोड़ी मोटी गलती हो तो आप मुझे कॉमेंट में भी बता देना कि भाई ये सही है ये गलत है, आप ऐसा करो वैसा करो, कौन सा एंगल सही है, एंगल देखने में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बोल देना आप। अभी साधु भाई मिल गए, अब हम चल रहे हैं आगे, और बोल रहे हैं आगे जाके थोड़ा भूख लगी है, थोड़ी तो पेट पूजा करनी है, देखते हैं आगे कुछ मिलता है तो ठीक है, वरना आटकोट में जाके गांठिया जरूर खाएंगे, आटकोट के गांठिया बहुत फेमस है, तो वहाँ जाके नाश्ता करेंगे। अभी देख गुजराती गांठिया वाला है वो भी चुका है ना वाला, गुजराती लोग को गांठिया ने जलेबी मिली जाए एटले धन्य धन्य, बीजू कहीं ना जुए भाई, जरा देख के आगे भी नहीं पीछे भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी, ओ भाई जरा देख के आजू बाजू भी देख के चलाना पड़ता है, क्या करे भाई। मम्मी ने जो सुबह नाश्ते में थेपले दिया ना वो खाएंगे, थेपले का मजे लेंगे। ये देखो वो साठ रुपये आगे निकल गए, अभी कोर्ट में भी इतनी ट्रैफिक होती है, देखिए अभी ट्रैफिक ना मिले ना इसलिए हम सुबह में जल्दी निकलने की ट्राई करते हैं, मगर क्या करें अभी जल्दी उठ नहीं पाए तो जल्दी निकल नहीं पाए। इधर के गांठिया फेमस है तो रुक के पूछते हैं पहले। अभी ट्रैफिक की वजह से नाश्ते का प्रोग्राम कैंसिल हुआ है, क्योंकि इधर शोर बहुत हो रहा है और मिट्टी भी बहुत उड़ रही है, अभी अच्छा सा होटल ढूंढ के वहाँ पर नाश्ता करते हैं उसके बाद मिलते हैं। अभी इधर से भी दो रास्ते पड़ते हैं, सीधा जाने से राजकोट आता है और आगे से लेफ्ट मुड़ते हैं तो सीधा गोंडल आता है, तो हम आगे से लेंगे लेफ्ट। अभी नाश्ता हो गया है, अभी चल पड़े हैं गोंडल की ओर। अभी भी मैं सामने पेट्रोल पंप गया ना, वहाँ पेट्रोल पुराने जा रहे हैं, पेट्रोल की टंकी फुल करते हैं, देखते हैं कितने का पेट्रोल आता है, देखते हैं कितने का पेट्रोल आता है। रेट क्या चल रहा है, 96 फुल। अच्छा 100 रुपये आएगा, $630 में फुल। केस केस आप हेलमेट तो हाथ उजावे, शर्माओ नहीं तुम, दर क्या ही नहीं आए भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ही। मतलब कुछ भी चार बजे, अभी 536 किलोमीटर है और टैंक फुल करवाई है, अभी देखते हैं फिर से रिजर्व में कब आती है। गोंडल थोड़ी देर होल्ड करने के बाद हम सीधा चल पड़ेंगे वीरपुर की ओर, वीरपुर जलाराम बाबा की जगह में दर्शन करके फिर आगे निकलेंगे काकवाड़ की तरफ। अभी गोंडल 2 किलोमीटर दूर है,
रास्ते में कुछ दिखाने लायक नहीं था तो कैमरा बंद करके चार्जिंग में रख दिया था। पूरा का पूरा पुल ही लॉक हो गया है, इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा है। बोला पुल ऊपर था इन जाऊ ट्रैफिक तो जो अभी तो ट्रैफिक में खड़े रह के गर्मी भी बहुत निकलने वाली है। पिछले 15-20 मिनट से तो इधर ही खड़े हैं, ट्रैफिक ही इतना है, क्या करें। आधे घंटे के बाद ट्रैफिक में से निकला ऐसा लग रहा है। अभी दिन एक पुल क्रॉस करने में आधा घंटा निकल गया। अभी ट्रैफिक में से निकल के कुछ अच्छा लग रहा है। वहाँ पर तो ट्रैफिक में तो पूरा खड़े रहकर पूरी चमड़ी जल रही थी। अभी यहाँ से सीधा जेतपुर वीरपुर जेतपुर, बीच में कागवड़ आता है तो वहाँ पर भी जाएंगे। कागवड़ थोड़ा सा अंदर रहता है हाईवे से, तो 4-5 किलोमीटर जैसा रहता है, वो तो वहाँ जाकर देखेंगे कितना अंदर रहता है। और यहाँ तक की जर्नी में अगर मज़ा आया हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना। आपको मुझे बार बार बोलना पड़ता है भाई सब्सक्राइब करो। जान मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। वीरपुर जलाराम बापानी जय। वीरपुर पहुंच चुके हैं, यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, वीरपुर जलाराम ग्राम पंचायत। आपनु हार्दिक स्वागत करे छे गुजराती माँ। अभी वाइल्ड एंगल कैमरा नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा कम दिखेगा आपको, क्योंकि अगर मैं बाइक दिखाऊंगा तो सामने का व्यू नहीं आएगा, सामने का व्यू दिखाऊंगा तो बाइक नहीं दिखेगी। तो कुछ दिन के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मोटो व्लॉगिंग के लिए कुछ नया सेटअप सोच रहा हूँ, देखता हूँ अभी मैं वो परचेस करता हूँ या नहीं। पार्किंग में पर बाइक इधर पार्किंग करने का चार्ज बाहर हमको 20 रुपए बोला, और अंदर जाकर बाइक पार्क की बाद में बोलते हैं 30 रुपए। तो फिर हमने वहां से बाइक निकाली और दूसरी जगह 20 रुपए में पार्क कर दिया। हम चल पड़े दर्शन करने। दर्शन करने के लिए मार्केट में से जाना पड़ता है। ये रहा मंदिर की तरफ जाने का रास्ता। वीरपुर के मार्केट में आपको कई सारी चीज़ खरीदने को मिल सकती है, जैसे कि ड्रेस, पर्स, लकड़ी की बनी हुई कई सारी चीज़। ये सब देखने के बाद हम दर्शन की लाइन में खड़े हो गए। दर्शन के लिए भीड़ बहुत थी, मगर दर्शन अच्छी तरह से हो गए। फिर से हम मार्केट घूमते घूमते चल पड़े बाइक की ओर। अभी दर्शन करके हम निकल रहे हैं। मंदिर में मोबाइल अलाउ नहीं था तो हम आपको दर्शन नहीं कर पाए। हमने तो दर्शन बहुत अच्छे किए, अच्छे से दर्शन भी हो गए और शांति से हो गए। अभी आगे जाके सीधा कागवाड़। भाई यार रॉन्ग साइड में काहे चला रहे हो यार,
अभी यहाँ से सीधा खोडल धाम, उमिया माता जी हम आ रहे हैं आपके शरण में। यहाँ से कागोर जाने के लिए लेफ्ट साइड लेना पड़ता है, मेन हाईवे से छोड़ के थोड़ा अंदर है हाई श्री खोडल धाम। आगे फाटक बंद है ना, इसलिए ट्रैफिक है। ट्रेन चलो खुल गया फाटक, अब धीरे धीरे चलते हो। ये रहा कागोर मंदिर का गेट, यहाँ से हम अंदर चल पड़े और सामने ही मंदिर के दर्शन हो गए। मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ी रंगोली बनी हुई थी, वो देखने के बाद हम चल पड़े मंदिर की ओर। फिर हम मंदिर के अंदर जाके उमिया माता के दर्शन करने चल पड़े। यहाँ पर भी मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी। अच्छे से दर्शन करने के बाद हम मंदिर की प्रदक्षिणा करने लगे और मंदिर की सुंदरता को देखने लगे। मंदिर की दीवार पर कई सारी अलग अलग मूर्तियाँ बनी हुई थी, तो वह सब देखते देखते हम आगे चल पड़े। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े पासी में बने हुए बगीचे में। बगीचे में घूमते घूमते हमने एक फव्वारा देखा। इस फव्वारे में आप सिक्का डालकर पानी उड़ा सकते हैं। गार्डन में घूमते घूमते झूला देखा, तो सब लोग झूला झूलने चल पड़े। फिर दोनों बहनें मस्ती करने लगी। फिर एक बहन दूसरी बहन को झूला झूलाने लगी और बचपन की यादें ताजा करने लगी। थोड़ी देर मस्ती करने के बाद हम चल पड़े आगे की ओर गार्डन देखने। देखा तो शेर के पुतले बनाए हुए थे। यहाँ पर भी एक मशीन लगी हुई थी, इस मशीन में सिक्का डालोगे तो साइड में से स्पीकर बजने लगेंगे और शेर की दहाड़ सुनने को मिलेगी। फिर एक दीवार पर देश की कई सारी बेटियों के पोस्टर बने हुए थे। ये सब वो बेटियां हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ अच्छा काम किया हो। फिर वहां से आगे चल पड़े। अब यहाँ पर बच्चों के साथ भी आ सकते हैं, बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर गार्डन भी बना हुआ है। वहां से हम लोग जागृति केंद्र के तरफ चल पड़े। लोक जागृति केंद्र में कुछ खास नहीं था, जो भी था वो सब टूटा हुआ था।
बाद में हम वापस चल पड़े। ये देखिए मेरे साधु भाई की हालत। शादी के बाद पुरुष की कुछ ऐसी हालत होती है, देख लीजिए। जिसकी शादी नहीं हुई वो भी देख लीजिए। पुरुष नहीं हुआ था। गौड़ में मंदिर में दर्शन किए, दर्शन करके सब लोग सब कुछ घूम कर बाहर निकले हैं। अभी इधर खिलौनों की दुकान है तो सोचा थोड़ी खिलौनों की खरीदी करते हैं, उसके बाद निकलते आगे की ओर। अभी मिलते हैं, देखते हैं कैसा होता है। अभी यहाँ से जूनागढ़ के लिए निकलना है। अभी देखते हैं जूनागढ़ कितने बजे पहुँचते हैं। यहाँ से तकरीबन जूनागढ़ 70-80 किलोमीटर होता है। अभी कागवाड़ घूम के निकल पड़े हम सीधा जूनागढ़ जाने के लिए। बीच में मेरे दोस्त के यहाँ हम नाइट स्टे करने वाले हैं, तो कल सुबह या दोपहर को जूनागढ़ जाने के लिए निकलेंगे। देखते हैं अभी कल जूनागढ़ कितने बजे पहुँचते हैं। तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट में जरूर बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक लिए बाय।